और भाई यहाँ से सारे जितने भी शिप्स हैं वो जाते हैं दुनिया ख़त्म हो गई बस यहाँ पर आकर कैमरा आपको ये चीज़ें दिखा नहीं सकता मंकी फिर हमारे वाले ये बेचारे शरीफ हैं तो भाई अब आपको लगेगा कि यार जब इतनी पास है तो ये शिप्स ही क्यों जाते हैं सबसे डेंजरस रन में है जय हिंद नमस्ते आदाब सतरीकाल और सबको राम राम मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं जिब्राल्टर में जी हाँ ये वही जिब्राल्टर है जिसको हमने हमेशा बुक्स में पढ़ा है या न्यूज़ वगैरह में सुना है तो आज हम हैं जिब्राल्टर में और सबसे पहले हम देखेंगे सामने का एक खूबसूरत नज़ारा ये है जिब्राल्टर का फ्रंट ये एक सीमेट्री और भाई ये देखो ये एयरपोर्ट है कल आ रहे थे अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो बिल्कुल लोग बाग एयरपोर्ट का रन वे क्रॉस कर रहे होते हैं यहाँ पे देखो वो लोग भी दिख रहे हैं रन वे क्रॉस कर रहे हैं जब कोई फ़्लाइट आती है तो वहाँ गेट्स लगे हैं वो बंद कर देते हैं तो ये है एयरपोर्ट उधर जो पीछे येलो बिल्डिंग्स हैं वो है स्पेन का लालिनिया शहर और ये खूबसूरत सा फुटबॉल ग्राउंड राइट में मेडिटेरेनियन सी तो ख़ूबसूरत नज़ारे के साथ आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं तो वही बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं हम जाम रुके हुए हैं और बिल्कुल सामने ही दिखती है ये रॉक ऑफ जिब्राल्टर जिसकी वजह से जिब्राल्टर फेमस है इसी रॉक के नाम पर इस जगह का नाम है जिब्राल्टर जिबरालटर हम कैसे आए भाई वो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था और जिन्होंने नहीं देखा भाई वो जाके लास्ट वीडियो देख लो सारा पता लग जाएगा क्योंकि दोबारा दोबारा उन्हीं बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं तो भाई अभी हम जाएंगे कुछ अट्रैक्शन को देखने सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो ये माउंटेन ही है और भाई देखो माउंटेन बिल्कुल इस बिल्डिंग के पीछे है कभी कुछ हो गया माउंटेन को तो बिल्डिंग का क्या होगा पता नहीं खैर इस माउंटेन पे जाएंगे केबल कार के द्वारा और यार ये देखो रॉयल मेल आज भी यहाँ पर मेल चल रही है कल मैंने देखा था एक बंदा इसमें डाल रहा था चिट्ठी एक्चुअली ये ब्रिटिश कल्चर है और वहाँ पे भी चलती होंगी पता नहीं भाई लंदन वालों बता देना ये बड़े बड़े कूड़ेदान तो हम जाएंगे भाई बस लेके क्योंकि आ, लेट हो रहे हैं हम और यहाँ पर साढ़े तीन बजे सब बंद हो जाता है जैसे इंग्लैंड में आप जाओ तो वहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन है वो भी लगभग साढ़े तीन बजे बंद हो जाते हैं और एक यहाँ पर ये यह बहुत चल रही है होपी इसकी ऐप डाउनलोड करके आप इसे चला सकते हैं अगर आपको चलानी हो तो लेकिन सौ रुपये मतलब भारतीय करेंसी में बता देता हूँ आपको यहाँ पर वैसे ब्रिटिश पाउंड चलता है सौ रुपये इसे ऑन करने के फिर पच्चीस रुपये पर मिनट है और फिर आप इसे बंद करोगे तो फिर कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे अरे यार बाइक वगैरह बहुत तेज़ चलाते हैं यहाँ पर कार वगैरह भी बहुत तेज़ चला रहे हैं कल स्पीड लिमिट वाले खड़े हुए थे यहाँ रोड पे तो बस स्टॉप पे हम खड़े हैं और यहाँ का ये यह सीन है कि बस आपको दिखे तो आपने उसको हाथ हिलाना है नहीं तो वो निकल जाएगी ये पीछे मैडम बैठी हैं इन्होंने गाइड किया मैंने वैसे ही पूछ लिया कि भाई जिस जगह हमें जाना है वो यही रूट पर जाएगी बस या सामने से तो नहीं जाएगी तो कहती यहीं से जाएगी लेकिन हाथ कर दियो नहीं तो बस निकल जाएगी और एक और ये चीज़ देखो यहाँ पर लोग अकेले में इतना वो रहते हैं कि ये ऐडें लगी हुई हैं कि आप अकेले नहीं हैं हमारे को आप कॉल कर लें सर्विस वगैरह लेते होंगे बात करने की मतलब लोग बात करने के पैसे दे रहे हैं देखा हमारा देश कितना अच्छा है वहाँ सारे बात ही कर रहे होते हैं ज़्यादातर आ गई भाई बस पाँच मिनट देरी से है वैसे होता नहीं है ऐसा जहाँ पर बस देरी से आए वो मैंने हाथ ही नहीं दिया था मैं <laughs> भूल गया था हाथ देना <laughs> तो ये है बस जिसकी एक राइड हमें पड़ी है 1.60 पाउंड की मतलब एक सौ के आसपास हो गया होगा एक सौ साठ के आसपास एक राइड वाह ये भाई सिटी सेंटर है और यहाँ पर बहुत सारे मैंने इंडियन देखे थे कोई इंडियन रेस्टोरेंट रॉक चिकन शर्मा यहाँ आएंगे घूमेंगे अभी थोड़ी देर में पर पहले वो अट्रैक्शन बंद ना हो जाए मेन जो चीज़ है वो देख लें यहाँ की चल के अगर आप यहाँ पर मैगडी वगैरह ढूंढ रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा नहीं है इक्के दुक्के ही हैं बस से उतर गए हैं भाई हम अपडेट्स ये हैं एक तो कैश चलेगा कार्ड वगैरह नहीं चलेगा ऊपर से लास्ट बस जो है वो यहाँ पर चलती है नौ बजे रात के तीसरा जो डे पास है वो टेन उसके लिए मिल जाएगा आपको टेन ट्रिप्स के लिए वो मिलेगा दस पाउंड का और यूरो भी यहाँ चल रहे हैं वैसे इनकी बेसिक करेंसी जो है वो पाउंड से अगर आप पाउंड्स लेके आते हैं तो वो सस्ते पड़ेंगे यूरो थोड़ा सा यहाँ महंगा पड़ेगा लेकिन यूरो को एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बसेस में भी और शॉप्स वगैरह में भी बस ने यार इस बस स्टॉप पे उतार दिया लेकिन केबल कार वग़ैरह के लिए कोई साइन वग़ैरह कुछ नहीं है वैसे तो बहुत टूरिस्ट आता है यहाँ पर स्पेन से और दूसरी जगहों से लेकिन कहीं कोई साइनेज वग़ैरह नहीं है आगे चल के देखते हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है यार ये जगह छोटी सी जगह है लेकिन बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी बहुत ही बिल्डिंग्स हैं और लगभग बत्तीस हज़ार आबादी कहते हैं इनकी लेकिन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर लोग हो सकता है जो बत्तीस हज़ार है वो जिब्राल्टर के अपने लोग हों और बाकी बाहर के लोगों की गिनती ना हो कि भाई ये पार्किंग है इसी से अंदाज़ा लगा लो कि काफ़ी भीड़ होगी और केबल कार वो रहा सामने दिख गया जिब्राल्टर केबल कार और यहाँ पे यार एक रेस्ट्रा पहले यार कुछ खा लें फिर भूख लगती रहेगी ना दिमाग लगेगा नहीं मज़ा आएगा नहीं खाते हैं चल के तो ये रेस्टोरेंट भाई और यहाँ पर ना एक बात बढ़िया रहती है यूके वग़ैरह में कि आपको ना मेन्यू भारी मिल जाता है रेट वगैरह चेक करने हो तो रेट चेक कर लो और मेन्यू चेक करना है तो मेन्यू चेक कर लो क्या क्या इनके पास है देखते हैं पिज्ज़ा बढ़िया रहेगा है ना और तो चीज़ें पता नहीं समझ आती नहीं एक पिज़्ज़ा ही सही है या पास्ता समझ आता अपने को या पिज़्ज़ा चलो पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं यहाँ पर तो भाई हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं इटालियन रेस्टोरेंट है और एक चीज़ पूछ ली मैंने होता है कई जगह शायद इटली में ही था ऐसा कि अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसके प्राइस अलग हैं बैठ के खा रहे हैं तो उसके प्राइस अलग है जब इन्होंने पूछा टेक अवे मुझे लगा कहीं यार गड़बड़ ना हो तो आप कभी भी ऐसी जगह आएँ जहाँ पर पूछा जाए टेक अवे तो पूछ लो कि प्राइस में कुछ डिफरेंस है या नहीं पिज़्ज़ा आ गया भाई अपना आठ पाउंड का है लेकिन साइज़ बहुत बड़ा है दो आदमी भी होंगे तो खा लेंगे यार मैं कोई यार पिज़्ज़ा लवर हूँ नहीं लेकिन ये पिज़्ज़ा बहुत स्वाद है इनका और भाई एक गड़बड़ हुई है बैठे बैठे देखो इधर से शायद आपको दिख जाए ट्रेडिशनल होम मेड फिश एंड चिप्स और ये मेरी फेवरेट है मैं यूके में मतलब जब भी जाता हूँ फिश एंड चिप्स और मैं सोच भी रहा था आज कहीं खाएंगे लेकिन अब ये पिज़्ज़ा मंगा लिया और ये इतना बड़ा पिज़्ज़ा है कि ये तो रात तक चलने वाला है आधा खा के आधा पैक कराऊँगा तो पाजी पिज़्ज़ा खा लिया है। और चंकी पांडे साहब की याद आ गई है रेस्टोरेंट इडालिनो मामामिया रेड सेंट्स रोड ओ यार बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से ना घर कितने अच्छे लग रहे हैं एक होटल ऐसा है शायद वाइट वाला जो है वो दी रॉक होटल है रॉक टूर ऑफिशियल गाइडेड रॉक टूर आई थिंक वी गोइंग अप हाउ मच द चर्न यूरोस तो भाई यहां से एक टूर जाने वाला है क्योंकि ये जो केबल कार है ये एक हफ्ते के लिए बंद है कोई आते जाते दिख भी नहीं रही थी और ये वैसे गाइडेड टूर है अगर आप यहाँ आते हैं तो ये ले जाएंगे पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस और ये मोंकी टूर स्काई वॉक रॉक एप्स प्रिंसेस कैरोलिना बैटरी मतलब ये सारा टूर देंगे ट्वेंटी फाइव यूरो और ट्वेंटी थ्री पाउंड्स में ये भाई केबल कार, कोई आते जाते दिख नहीं रही तो नो ऑप्शन लेफ्ट हम जाएंगे बाय मिनी बस कौन सी है पता नहीं मिनी कार और यार मैं टिकट ऑफिस तक आ ही गया था मैंने कहा कहीं ऐसे ही ना बोल रहे हो ये यस सॉरी वी आर क्लोज फॉर मेंटेनेंस तो ये क्लोज है और मैं आपको बता रहा था कि पाउंड और यूरो दोनों चलते हैं यहाँ पर और कार्ड भी चलता है और ये भाई टाइमिंग है साढ़े नौ से शाम को सवा पाँच बजे तक लास्ट जो आती है वो वापसी आती है पौने छः बजे और अगर आप केबल कार पे आएंगे तो ये है टिकट प्राइसेस अडल्ट की है भाई 12 से चौंसठ साल तक के 19 और बच्चे की है 9 5 से 11 साल तक और अप एंड डाउन है सैंतीस पाउंड्स की ओ भाई अडल्ट की और एक तरफ जाना है तो साढ़े चौंतीस पाउंड है सीनियर सिटीजन पैंसठ साल और स्टूडेंट विद आईडी डिस्काउंट है भाई सिंगल डेढ़ और रिटर्न दो बस सीनियर सिटीजन और भाई इनके लिए फ़ायदा बच्चों के लिए सुबह वेदर क्लियर दिखा रहा था और अब होने लग गई है बारिश थोड़ी थोड़ी मुझे यार यूके भी इसीलिए पसंद नहीं है वहाँ का भी वेदर ऐसा ही है जब मर्जी बारिश होने लग जाती है पता नहीं जैसे यूके का नाम आते ही ना ये बरसात को कुछ हो जाता है और भाई जो यहाँ के जो बंदर हैं जो मोंकीज़ हैं ऐसा माना जाता है कि भाई उनकी वजह से यहाँ पर जब तक वो हैं तब तक यहाँ पर यूके का राज रहेगा और जैसे ही वो हट जाएंगे तो यूके का राज ख़त्म हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं उस बात पे यूके वाले तो जब यहाँ बंदर कम होने लगे थे तो ये मोरक्को से बंदर ला के इन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिए थे वापसी तो देखेंगे मैं कौन कहते हैं उन बंदरस को भाजी बैठ गए हम तो भाई साहब जिब्राल्टर एक छोटी सी जगह है लेकिन यहाँ की बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है और इसकी स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और 711 सौ ईस्वी में सबसे पहले अरब लोग यहाँ पर आए थे मोरक्को वाली साइड से नॉर्थ साइड से अफ्रीका की और उसके बाद 1304 में यहाँ पर स्पेनिश आए या 1309 में ऐसे उन्होंने युद्ध लड़ा और अरब्स को हटा दिया तीस के आसपास और उसके बाद फिर सत्रह सौ के आसपास यहाँ पर ब्रिटिश का राज हो गया और उससे आज तक ब्रिटिशर्स ही यहाँ पर हैं शायद 1704 एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन हाँ 1700 कुछ में ब्रिटिश आ गए और ये देखो ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है ये दुनिया की और भाई यहाँ से सारे जितने भी शिप्स हैं वो जाते हैं अटलांटिक ओशन में मेडिटेरेनियन सी से और जाते हैं यह अटलांटिक ओशन में इधर पीछे है ओशन ये है मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर और उधर है अटलांटिक ओशन और यहाँ से लगभग रोज़ 300 शिप इसको क्रॉस करते हैं इस एरिया को तो ये दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहाँ से आप दो कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हो पहली जगह है इस्तानबुल और दूसरी जगह है ये जहाँ से आप यूरोप से अफ्रीका को देख सकते हो और इस्तानबुल से आप देख सकते हो यूरोप से एशिया को तो एशिया और अफ्रीका और यहाँ से आप देख सकते हो यूरोप और अफ्रीका वो सामने पहाड़ जो हैं वो है तंजियर मोरक्को अफ्रीका और ये आप सामने देख रहे हो जो वो है टेंपल ऑफ हरक्यूलिस और इस जो लोकेशन की एक और खासियत है वो ये है कि यहाँ पर पहले क्या था कि जब दुनिया की खोज हो रही थी या नेगी बास्को डिमकामा कोलंबस वगैरह जब ये लोग निकले थे दुनिया को खोजने तो यहाँ पर आकर कोलंबस का जो था वो शिप रुक गया था और पहले क्या होता था यहाँ पर से लोग वापस भेज देते शिप को वो मानते थे कि इसके आगे कुछ है ही नहीं इसके आगे सब कुछ खाली है वो ऐसा मानते थे कि दुनिया ख़त्म हो गई बस यहाँ पर आकर लेकिन कोलंबस जो था वो इंडिया की खोज पे निकला था और वो इस रास्ते से उसने देखा कि हाँ यार कुछ है आगे हम और जा सकते हैं जब वो यहाँ से अटलांटिक ओशन में गया तो उसने खोज की अमेरिका की ना कि इंडिया की वैसे वो निकला था इंडिया को खोजने तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट जगह है देखो एक दुनिया की खास जगहों में से है ये जीवराल्टर जो कि हम देख रहे हैं अपनी आँखों से और आपके साथ और एक अपडेट है भाई द पिलर ऑफ हरक्यूलिस है ये टेम्पल निकल गया मुँह से और टेम्पल भी ये कह देते हैं इनके मुँह से भी टेम्पल ही निकला था तो ये पिलर ऑफ हरक्यूलिस है यहाँ से जब वेदर अच्छा होता है तो ये भाई बाइनो कलर्स लगे हुए हैं दूरबीनें लगी हुई हैं आप देख सकते हैं दूर तक तो भाई हम बैठ चुके हैं अपनी कार में अगेन आगे चलते हैं आप कहीं और ये मंकी आ गए हैं मैं कहा उस कहते हैं इनको और देखो यार ये इतने शरीफ मंकी बंदा पास से निकल गया कुछ नहीं बोला और ये देखो दरवाजा खुलना जानती है ये बता रहे थे गाइड ओ भाई ये क्या कमाल की चीज है ना क्या कमाल की बात है इतने आराम से बैठा हुआ यार इतने शरीफ मंगकी <laughs> खुश हो रहे हैं अभी पब्लिक को देख के एक्चुअली ये भाई अरब लोग लाए थे यहाँ पर और बहुत सालों से है ये मंकी हज़ारों सालों से यहाँ पर है लेकिन इनकी पॉपुलेशन को ये कंट्रोल करके रखते हैं, देखो यार <laughs> यहाँ पर साढ़े तीन सौ मंकी हैं इनकी गिनती है हर चीज़ की और भाई इन्होंने चिप लगा रखे हैं उनके एक साल का जैसे ही कोई बच्चा होता है तो ये चिप लगा देते हैं और पता रहता है इनको कि कितने मंकी हैं कहाँ कहाँ हैं जीपीएस वगैरह ट्रैकर है शायद उसमें चिप में और उन मंकीज़ के लिए भाई दस लोगों की पूरी टीम है यहाँ पर जो कि उनको टेक केयर करती है दो डॉक्टर हैं उसमें से बीस से पच्चीस साल बता रहे थे कि इनकी एज होती है और इनकी ज़्यादा वो बढ़ने नहीं देते ये मतलब तादाद ना नहीं तो ये फिर नीचे शहर में चले जाएंगे यार ऐसा मंकी देखा कहीं आपने और ये है भाई पोर्ट ये जिब्राल्टर की साइड का पोर्ट है और वो पोर्ट है भाई स्पेन वाली साइड का देखना यार <laughs> कैमरा आपको ये चीजें दिखा नहीं सकता जो खूबसूरती वैसे आपको दिख रही है और सच में ऐसा लग रहा है भाई दुनिया का अंत ख़त्म पीछे कुछ नहीं है जैसे और ये है टॉप जिब्राल्टर माउंटेन का ऊपर ये जो है वो भाई ब्रिटिश मिलिट्री है ब्रिटिश नेवी का भी यहाँ पर सिस्टम है और यस देखना यार <laughs> इनकी जो लैंग्वेज है ना वो स्पेनिश और इंग्लिश के बीच में है मतलब ये बोल रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश बीच में मिक्स करके ना कबूतर ये खाना वगैरह इनके लिए पर यार देखना <laughs> प्यार से हुआ <laughs> कम You you. want him on top? Yeah. One One step forward. One step forward. forward. <laughs> <He's coming. laughs> wow. That's a good video for you. <laughs> Yes. भाई साहब हमारे वाले तो हैं खतरनाक मंकी फिर हमारे वाले ही है ये बेचारे शरीफ हैं. मैंने मंकी नहीं मानता है ना यार तो ये जो फीमेल मंकी है उनकी भाई बर्थ को कंट्रोल करते हैं नसवंदी वगैरह जो भी करते होंगे ना, वाव. आगा। 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 <laughs> फीडिंग करना यहाँ अलाउ नहीं है आ, बड़ा जुर्माना है तो आप कभी आए तो ना करना तो गाइड वगैरह थोड़ा कर लेते हैं ये देखो भाई इलीगल है ये इट इज़ एन ऑफेंस टू डिलीवरी टच टच करना भी ऑफेंस है लेकिन सारे काम होते हैं इंडिया वाले हैं ना वो यार इनकी देखो <laughs> ऐसा साहब ऐसा मंकी नहीं देखे ना <laughs> इनको देख देख के मुझे तो हो रहा है यार इतने शरीफ और एक भाई ये सीढ़ियाँ हैं नीचे से आ रही हैं बिल्कुल और लोग क्लाइम करके आ रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं नीचे से ओ ये देखो ये तो ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे पूरी वो नीचे जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से आ रही हैं ये सीढ़ियाँ और भाई इस एरिया में क्या, क्या क्या अगर आपको देखना है तो ये है कुछ जगह और ये भी है यार कुछ चार्जेस पता नहीं शायद यहाँ कोई एंट्री करता होगा अंदर आके पैदल आके तो एंट्री लगती होगी उसकी और शायद यार बाकी जो केबल कार से आते हैं उनकी एंट्री ना लगती हो ऑलरेडी इतनी सारी एंट्री ले रहे हैं लाइक चौंतीस या सैंतीस पाउंड थे सैंतीस सौ रुपये एंट्री है उसमें फिर यहाँ एंट्री लेंगे तो नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है तो खैर फिर भी गाइड से पूछ लेंगे एक बार कोई कहता चौदह किलोमीटर दूर है बस ये जो एरिया है और कोई कहता है चौबीस किलोमीटर दूर है यहाँ से जिब्राल्टर से और वो जो पॉइंट है अफ्रीका का तो भाई अब आपको लगेगा कि यार जब इतनी पास है तो ये शिप से क्यों जाते हैं ये इसको यहाँ से पुल क्यों नहीं बना देते और इतनी ज़्यादा जो है भाई इनकी तो टेक्नोलॉजी वगैरह ऊपर जा चुकी है यूरोप की इन्होंने जो यूके से भी यूरोप को जोड़ दिया है ना टनल वगैरह बनाई है तो यहाँ क्यों नहीं बना पा रहे? तो एक तो भाई यहाँ की जो गहराई है जो इस जिब्राल्टर स्ट्रेट की गहराई है इस खाड़ी की गहराई है वो बहुत ज़्यादा है मतलब लगभग तीन हज़ार फुट गहरा है और हो सकता है उससे भी नीचे हो ये और दूसरा जहाँ जहाँ कम गहरा है तो वहाँ पर जो ये रॉक है जिब्राल्टर रॉक जो भी पहाड़ उसके नीचे हैं समुद्र के वो इतने ज़्यादा स्ट्रोंग है कि उस पर कोई भी मशीन चलाना आसान नहीं है तो इसलिए ये यहाँ पर कोई भी पुल या कोई भी टनल नहीं बना पा रहे और नीचे देखोगे तो अगेन एक बहुत खूबसूरत सा नज़ारा दिखेगा जिब्राल्टर टाउन का ये सारा है जिब्राल्टर और देखो कितना कंस्ट्रक्टेड हो गया ना कितनी सारी बिल्डिंगें हैं और भाई अगर यहाँ की आप सोचोगे फ़्लैट की कीमत तो हैरान रह जाओगे मतलब कोई भी फ्लैट और ये जो हम जहाँ खड़े हैं ना ये भी जिब्राल्टर के लिए एक इतिहास है ये जगह जो है वो है भाई क्वींस बालकनी तो यहाँ पर जो एलिजाबेथ थी हिन्स क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड एंड हिस साइनस द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग स्टूडेंट लुकड ओवर जिब्राल्टर ड्यूरिंग देयर विजिट ऑफ द रॉक मे टेंथ इलेवंथ नाइनटीन फिफ्टी फोर तो भाई जो क्वींस एलिजाबेथ थी जो भी जो अभी लास्ट ईयर ही गुजरी है तो वो एक ही बार आई थी जिब्राल्टर में जबकि ये कई सौ सालों से ब्रिटिश के अंडर है और वो यहाँ पर खड़े हो गए उन्होंने नीचे जिब्राल्टर को देखा था और ये भाई नीचे वही रन दिख रहा है जो हमारे फ्लैट से दिख रहा था और ये भाई दुनिया का चौथे या पांचवें नंबर पर सबसे डेंजरस रन वे है जिब्राल्टर के लिए मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि कोई भी फ़्लाइट यहाँ नहीं आती सिर्फ़ यूके से फ्लाइट आती है यहाँ पर और यहाँ पर जो पायलट है वो भी जो आर्मी ट्रेंड होते हैं जो पहले यहाँ पर मिलिट्री में थे तो जब रिटायरमेंट हो जाती है उनकी तो उन्हीं को वो लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लैंडिंग करना जिब्राल्टर में यहाँ के रनवे पे एयरपोर्ट पर आसान नहीं है आम पायलट यहाँ पर जो है वो लैंड नहीं कर सकता तो आर्मी वालों को उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है और वो यहाँ पर रहे भी होते हैं जो आर्मी वाले जो भी एयरफोर्स वाले यहाँ पर रहे होते हैं उन्हीं को यहाँ पर जो है पायलट के लिए रखा जाता है उस एयरलाइन में जो यहाँ पर लैंड कर ये जिब्राल्टर का फ्लैग वाइट और रेड और बीच में ये ओल्ड कासल है यहाँ का और इसके बीच में बनी हुई है एक चाबी इट मीन्स ये चाबी है मेडिट्रेनियन सी से अटलांटिक ओशन में जाने के लिए और बीच में है ब्रिटेन का फ्लैग और थर्ड फ्लैग है कॉमनवेल्थ फ्लैग थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू तो भाई ट्वेंटी थ्री का जो ये ट्रिप था ये वर्थ विजिटिंग है खाली केबल कार में जाने से अच्छा आप पुअर के साथ जाएं और कभी भी आएँ तो जैसे ट्वेंटी फाइव दिए भाई एक दो पाउंड्स एक्स्ट्रा ऐसे आप जो है वो टिप दे दें हमेशा और ये केबल कार के भाई बिल्कुल इधर साइड राइट में हैं दी अलमेडा जिब्राल्टर बोटैनिक गार्डन्स जॉर्ज टॉन गेट्स भाई टॉयलेट्स जब भी आप यूरोप में हो ना जहाँ पे टॉयलेट दिख जाए फ्री में काम निपटा लो। और ये भाई जिब्राल्टर का साइन यही झंडे के बीच में था ये बहुत पुरानी इनकी एक बिल्डिंग है अभी हमने देखी भी थी ऊपर एक हज़ार साल पुरानी है और बीच में जो की है इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि ये चाबी है अटलान्ट ओशन से मेडिटेरेनियन सी की अब भाई गार्डन भी देखना है क्या है ना नहीं ना तो बस यही है ये यह को देख लो स्टैचू है इनका और ये गार्डन है खूबसूरत है बढ़िया बना रखा भाई गार्डन इतना ही बहुत है गार्डन में पेड़ ही देखने होते हैं और ऐसे कैक्टस के पेड़ हैं ज़्यादातर चलो भाई है, चलते हैं कहीं और